पहले उसे घी में डुबोना था, नीचे वाली रह गई होगी अब। कोई नहीं रही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है पहला नवरात्रा और नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, देख लीजिए माँ का जो श्रृंगार है वो हो रहा है, और यहाँ पर मैंने जवारे हैं वो बो रही हूँ, और अखंड ज्योत लगाने की तैयारी हो रही है। हाँ जी, जय माता दी कर दो। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। तो बस जी, बने रहिएगा व्लॉग में, देखते रहिएगा व्लॉग को, कैसे कैसे करते हैं हम लोग पूजा माँ की। और अभी तो दरबार सजा रहे हैं, बस स्टार्ट किया है सजाना, तो बने रहिएगा आप व्लॉग में। तो यहाँ पर दोस्तों माँ का जो है श्रृंगार मैं कर रही हूँ, और माँ को बिंदी लगा दी है, देख लीजिए आप माँ कितनी सुंदर लग रही है। और बाकी माँ को अभी मैं चूड़ी पहना रही हूँ, ये देख लीजिए। और जो मेरे हाथों में आप चूड़ी देख रहे हैं ना, जो माँ ने पहले पहनी हुई थी ना, वो अब मैंने डाल ली है। और अब जो मैं माँ को पहना रही हूँ ना, वो मैं चूड़ी जो पहना रही हूँ, वो मैं फिर जब अगले नवरात्रि आएंगे ना, उन पर फिर नई माँ को पहना दूंगी, और फिर ये वाली मैं पहन लूँगी। तो इस तरीके से मैं हमेशा माँ से चूड़ी लेती हूँ। तो माँ को पहना दी है जो चूड़ी मैंने, वो मैं पहन लूँगी बाद में, और जो अभी पहनी हुई थी पहले की, वो मैंने पहन ली है। तो और माँ का जो श्रृंगार है वो आप देख ही रहे हैं। और इधर जो मेरे हस्बैंड है ना, वो भी आम के पत्तों की जो है वो माला बना रहे हैं, और इसको लगाएंगे हम बाहर। क्या बना रहे हो ये? ये बंधन वाल बना रहा हूँ आम के पत्तों से, शुभ होता है। पहले क्या होता था, पहले बंधन वाल तो पिछले से पहले जमाने में होते नहीं थे, तो वो लोग जैसे आजकल तो डेकोरेशन मिलती है, ये मिलती है, तो पहले हर कोई शुभ काम में ना ऐसे आम के पत्तों के बंधन वाल बना के, और खासकर नवरात्रि दिवाली पे लगाया करते थे अपने घर के दरवाजों पर, मेन गेट पर या जहाँ भी। आप फूल भी लगाओगे इसमें? नहीं, अब तो फूल का मेन नहीं होता इसमें, मेन होता है आम के पत्तों का स्वभाव और मूली का, ये होता मेन। और इधर माता का जो श्रृंगार है वो देख लो आप, कर दिया है मैंने, सुंदर लग रही है माता। और अभी फूलों से भी सजाएंगे, फूल माला लाए हो ना सब। चूड़ी पहना, और ये है बालियां माँ को पहनाऊंगी मैं, अभी चूड़ी पहना दी मैंने माँ को। हाँ, अब मैं दरवाजे पे बांध देता हूँ। हाँ, ये दरवाजे पे लगा दो। जय हो मेरे प्रभु, हे माता रानी, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। पहले उसे घी में डुबो। अब मेरे को फिर दीप पर जो चट्टा बांध रहे हैं, माला बना रहे हैं, सब हो गया। हाँ, माला बना दी। नीचे की साइड उधर रख देते। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, अखंड ज्योत चल गई ऐसे माँ की। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों के सभी प्रकार से रक्षा हो, और जो आपने अभी तक आपने किसी को भी बताया ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है, इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा। पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ऊपर ब्रह्मा जी, नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शववाहिनी, चामुंडा देवी दशो दिशाओं में मेरी रक्षा करे।
विजया मेरी पीछे की ओर बाई और अजिता दाई और अपराजिता देवी रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे सर पर मस्तक पर विराजमान होकर बोहों की जशनी बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नासिकाओं की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी कानों की द्वारवासिनी कपोलों की कालिका कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा ऊपर की होठ की चर्चिका नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी कंठ की चंडिका गले की चंद्रघंटा चित्रघंटा तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिंबुक की कामाक्षी वाणी की सर्वमंगला ग्रीवा की भद्र काली पृष्ठ अस्थियों की इधर उधर ही रक्षा करे। कंठ से बाहरी भाग की नील ग्रीवा कंठ नालिका की नल कुबरी दोनों कंधों की खड़गनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी उंगलियों की अंबिका नाखूनों की सुलेश्वरी कुक्षी की कुलेश्वरी देवी हृदय की ललिता देवी हृदय उदर की शूल धारणी देवी रक्षा करे। तो अभी हो रही है दोस्तों शाम, और शाम को अभी मैंने की है आरती। देख लीजिए मेरी माता रानी बैठी है। तो मैं आरती कर चुकी हूँ माता की, और अभी कर रही हूँ फलिहार बनाने की तैयारी। तो दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो कुकर में बन रही है दोस्तों खिचड़ी सामक की, और इधर मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की टिक्की। कोई आया है शायद, दल बजी है, ये देख लीजिए। और इधर बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी, बन चुकी है। और इधर मैंने कुट्टू का आटा जो है वो लगा कर रख दिया है, अभी बस बनाने ही वाली हूँ इसकी पूरी। और इधर मैं बनाऊंगी कुट्टू के आटे की पकौड़ी, तो उसका भी मैंने घोल जो है वो बना कर रख लिया है। तो इधर मैंने दही जो है वो निकाल लिया है। तो यहाँ पर टिक्कियों को तलना शुरू कर दिया है, और इधर डाल रही हूँ पूरी, और इधर बस प्लेट लगा रहे हैं अभी हम लोग। तन्नू आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए, तो बस हम लोग लगाने लग रहे हैं प्लेट। और सबसे पहले लगाते हैं माता को भोग। टिक्की देखो कितनी टेस्टी सी बनी है, यम्मी सी टिक्की है, बहुत करारी करारी है, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली टिक्की। तो दोस्तों यहाँ पर प्लेट मैंने लगा लिया, और माता को लग रहा है अभी भोग। सब खा चुकी हैं दोस्तों, और ये है मेरी प्लेट, मैं भी खा लेती हूँ। तो इस व्लॉग का दोस्तों कर रहे हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।